हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो बस जा रही हैं अब शाम की पूजा जा करने। शाम को दीपक जलाए, आज आठे है तो आज व्रत हैगा। तो मैं सोच रही थी आप लोगों से बात भी कर लूँ, आज बात नहीं हो पाई है। आज क्या, आप तो अब जब से लॉकडाउन हुआ तब से बात ही नहीं हो पाती आप लोगों से। जैसे थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ, दीपक जला दूँ शाम का, शाम की पूजा कर लूँ और फिर अपने खाने पीने पर लगाएंगे। बताइए कैसे मन है आप लोगों के? नवदुर्गा कल तो नवमी है, सब जगह पूजी जाएगी नवमी। कल आखिरी नवदुर्गा है तो बस यही आज पूजा का थोड़ा सा व्रत का खाना बनाऊंगी। इन लोगों के लिए सादा खाना बनाऊंगी, आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी आज। इनका व्रत इन लोगों के लिए खाली रोटी और आलू टमाटर की सब्जी, और अपने लिए थोड़ा सा कुटू का आटा होता है ना, उसकी बस खाली पकौड़ी से। क्योंकि पकौड़ी हमारे बहुत सबको पसंद नहीं, तो सब लोग उसी को बहुत अच्छे से खाते हैं। हम लोग भी खा लेंगे और बाकी सब ये लोग भी ले लेंगे, तो ऐसे बच्चे भी ले लेंगे। हस्बैंड ये नहीं खाते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, ज़्यादा कुटू वगैरह पसंद नहीं है तो ये नहीं खाएंगे। बस तो हम ही लोग खाएंगे खाली। तो बस जल्दी से पूजा करने जा रही हूँ। मैंने शाम को पर्दा खोल दो बेटा ना, थोड़ा सा शाम के टाइम हल्का सा। तो बस यही सब चल रहा है। अभी ना चले गए हैं दूध लेने, गए हैंगे चलू मैं दूध ले आऊँ। सुबह थोड़ी सी पूजा के लिए खीर वगैरह बनानी है तो मेरी थोड़े से ले आओ खीर वगैरह, खीर वगैरह के लिए दूध वगैरह ले आओ। इसे एक पैकेट फ्रिज में रख दूँगी, उसे सवेरे ही खोलूँगी। तो बस यही सब चल रहा है। बस खाना पीना, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, बाहर के निकल किसी गली में बच्चे निकल आए हैंगे तो थोड़े से बैठ गए बाहर निकल के। मन नहीं लग रहा है बच्चों का, अभी तो तेरे चौदह दिन काटने हैं। मन बस हल्का इस समय थोड़ा सा वो जाता है मन, वैसे तो फिर बस कर लग जाता है मन। हम लोग सब हंसी मजाक में हंसते हंसते बोलते सब दिन कर ही जाता है। तो बस जा रही है जल्दी से पूजा कर लूँ। सब काम सब हो गया वैसे दोपहर का, कपड़े वगैरह सब घड़ी कर ली, चाय और पी ली हम लोगों ने। बस पूजा करके फिर अपना काम लोग मिलते घर से थोड़ी देर में। तब तक सब फ्रेंड यहाँ मैं खाना पीना बना रही हूँ, व्रत का खाना तैयार कर रही, आलू बोलने रख रही हूँ मैं। तो ये काट करके बड़े आलू थे तो थोड़े से काट लिए, थोड़े से मैंने बरूले बनाए थे कुटू काटे के, उसके बरूले के लिए आलू काटे हैं गोल 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 ऐसे काट करके रखे। और यहाँ फ्रेंड मैं सूजी भून के रख रही हूँ, क्योंकि ना सुबह बहुत जल्दी पड़ेगी तो ये ले आए थे तो मेरे लिए थोड़ी सूजी वूजी भून कर दूँ। शाम का समय था थोड़ा सा मेरे पास, तो वो मैंने सूजी वगैरह भून के रख दिया। तो यहाँ ये मैंने मेरे बेटे ने गर्म पानी मांगा था तो उसे वो दिया मैंने उसे करके जीजा। और फिर उसके बाद खाना पीना सब हो गया। इन लोगों के लिए आलू टमाटर सब्जी और रोटी बनाई थी, फिर बाद में अपना खाना थोड़ी चाय बनाई और ये थोड़े से ये आलू वगैरह बोले बरूले मैंने बना लिए थे, ये पकौड़ी टाइप की कुटू काटी गई और ये बस टमाटर वगैरह डाल के और लाहौरी नमक डाल के खाना जो अपने व्रत का तैयार कर लिया। आलू सिर्फ आलू फ्राई करें और कुछ नहीं, क्योंकि सुबह खाना बनेगा तो उसके सामने मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने हरा धनिया वगैरह डाल दिया और जो चाय भी बनती जा रही है मेरी। तो बस अब व्रत खोलने की तैयारी, पूजा करके और जो बस व्रत खोलेंगे। और है इन्होंने खाना मांगा तो फिर मैंने इन्हें खाना वगैरह दे दिया, तो मैंने ये खाना लौटना बच्चे मैंने छोटा ला बेटा मांगा था खाना। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? चाहे बच्चे होंगे ठीक होंगे। और यहाँ काम सारा हो चुका है, सब खा पी चुके हैं, व्रत खोल लिया है अपना पूजा करके। आज बस व्रत में वही बनाए थे, सादा सिंपल खाना बनाया था, कुछ नहीं आलू के कूटू के जो पकौड़े थे बस वही बनाए थे, वही अच्छे लगते हैं सबको, तो बस वही बनाए थे और कुछ नहीं बनाया था। और थोड़े से आलू फ्राई करे थे और घर का सादा खाना बनाया था, यही आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी और रोटी बनाई थी और बस दही वगैरह ले आए थे। तो बस उसी से ही व्रत खोल लिया हम लोगों ने, रोटी लोगों ने खाई थी, हम लोगों ने अपना व्रत खोला था। बस अब आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो का एंड कर लूँ। और अभी मैं वीडियो देख रही थी, कुछ एक वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने प्रियादीप का एक वीडियो देखा, जो प्रदीप लोगरा जी हैं उनका एक वीडियो देखा था मैंने। चलो कैसे कैसे लोग कह देते रहेंगे कि बच्चों से काम कराते हैं ये वो है, ऐसा अच्छा रहता है। जॉइंट फैमिली है, आपस में अगर दूसरे का हाथ बटवा देंगे, बच्चे हो या बड़े आपस में एक दूसरे का काम करवा देंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोग भी साथ रहे हैं, अब इसका ये थोड़ी नहीं है कि हमने अपने बच्चों से या जेठानी के बच्चों से काम वाम करवा लिया तो वो पराए हो गए, ऐसे कुछ हो गया
लोगों की सोच कैसी है ये देखती हूँ, सोच कैसी है उन लोगों की कहाँ की कहाँ बात ले जाते हैंगे और जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो ये नहीं देखते हैं कि किसी को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा या नहीं, बस उन्हें तो अपने बोलने से मतलब है। तो वही देख रहे हैं कि बताओ कैसे कैसे लोग होंगे, जबकि वो बहुत अच्छे से सबको हैंडल करती हैंगे, अपनी जेठानी के बच्चों को भी और अपने अपने बेटे को भी। कभी मैंने कई वीडियो देखी उनकी, मुझे तो कभी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। अभी पहली मैंने कई बर्थडे वगैरह की वीडियो देखी थी, उसमें सब लोग संग थे, उनके फ्रेंड उनके फ्रेंड भी आई हुई थी और उनकी फैमिली वगैरह सब थी। तो मैंने तो कोई ऐसा उसमें नहीं देखा, पता नहीं लोग कहाँ से अपने मन से बात बना लेते हैं, बस कहने लगते हैं कि ये सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा इसके बारे में नहीं सोचते हैंगे। तो देखते नहीं लगा आप लोगों से बात भी कर लूँ और वीडियो कर, तो थोड़ी सी मुझे लगा तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो कहाँ की कहाँ रखते हैं बात को। ऐसे नहीं होता है, अभी एक परिवार में रह रहे हैं तो अब मान लो काम करवा भी लिया किसी बच्चे से थोड़ा सा, तो क्या हो गया उसमें, चाची ताई का क्या काम नहीं करते हैं बच्चे, सब करते हैं, सबके यहाँ ऐसा होता है। ऐसे नहीं कि खाली उन्हीं के यहाँ, सबके यहाँ हमारे यहाँ आपके यहाँ सबके यहाँ ऐसा होता है। और जॉइंट परिवार है, बच्चे संग रह रहे हैं या आ गए हैं रहने के लिए, तो इसमें मुझे तो कोई बुरा नज़र नहीं आती है। मेरे हमारे भी परिवार काफ़ी बड़ा है, बच्चे आ जाते हैं तो ये थोड़े नहीं कि उनसे खाली ये करें कि हाँ बस कल तुम बैठ जाओ रिश्तेदार की तरफ, नहीं। फिर बच्चे ही अपने काहे बात के कि हमने रिश्तेदार की तरफ बिठा दिया जाए। तो बस ये देख रहे थे उनकी, बताओ कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे कमेंट कर देते हैं, जिन्हें देखते हैं कि सामने वाले को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा। वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी काफ़ी वीडियो देखी हैंगी, काफ़ी सबसे अच्छे से बात करती हैंगी। और जो उनकी अवधि भाषा है, जिस भाषा में बात करती हैं, वो तो बहुत ही क्यूट है, बहुत अच्छी लगती हैगी। जब ये बोलती हैंगी तो उसमें थोड़ा बहुत अवधि भाषा का प्रयोग करती हैंगी तो अच्छी लगती है भाषा उनकी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैगी। क्योंकि हमारे उधर की तरफ के हैं कुछ लोग जो हैं रिश्तेदार वगैरह, तो वहाँ की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बस लगता ही नहीं है कि जैसे पहली बार ये भाषा सुनी हमने, कई बार सुन चुकी इस भाषा को मैं। कभी लोग आते हैं बोलते हैं, तो मेरी बहन भी उधर की तरफ की हैंगी, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता आएगा कि उनकी कोई ऐसी कोई बात नहीं कि परिवार में बच्चों से काम करवा ले तो बहुत बड़ी बात हो गई या बहुत बुराई वाली बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ऐसी सोच रखते हैंगे। तो बस यही कहना था मुझे, अच्छी ब्लॉगर है, अच्छी सबसे अच्छे से बोलती हैं बतलाती हैंगी, अच्छे से अच्छे ब्लॉग भी अच्छे बनाती हैं वो। तो बस यही कहना था। और आज की एक छोटी सी टिप, वैसे तो सभी को मोहल्ले में घर में जो मेथी यूज होती है कि उसको भिगो दीजिए, और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, काफ़ी बाल झड़ रहे हैं, तो उसे पीस करके अपने बालों में एक डेढ़ घंटे के लिए लगा लीजिए, उसके बाद सिर धो लीजिए, वॉश कर लीजिए सिर को, तो इससे जो बाल झड़ते हैं बहुत जल्दी रुक जाते हैं झड़ने, उससे आपके बाल नहीं झड़ते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो टिप, अगर टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आजमाना। वैसे कोई नई टिप नहीं, सबको मालूम है, लेकिन अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनाना। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, कल नवमी है और कल जल्दी उठना है हम लोगों को, तो जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। वैसे तो देखो पता नहीं कल कैसे नवरात्रि मनेंगी, कैसे क्या होगा, देखेंगे कल की कल देखेंगे देवी ये सब ठीक करेगी। तो बस, और इस लॉकडाउन में पहली दफ़े ऐसे लॉकडाउन में नवदुर्गे आई हैंगे मेरे जीवन में, तो पहली दफ़े ही ऐसे आए हैं कि बिल्कुल सुमसाम है सब कुछ, कोई मंदिर नहीं खुले, कोई पट नहीं खुले, घर ही घर में रहकर पूजा करिए। तो बस पहली दफ़े ऐसे अब कभी ना आए, भगवान से यही प्रार्थना है कि खूब अच्छे सबके नवदुर्गे बने, अब किसी जो नवदुर्गे आए वो अच्छे से बने। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।